मोहनदास करमचंद गांधी, या जिसे हम कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं महात्मा गांधी, तो जिन्हें आप महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, तो इनको क्या क्या कहा जाता है? इन्हें महात्मा गांधी कहा जाता है, इन्हें बापू कहा जाता है, इन्हें और किसी और एक नाम से जाना जाता है, याद आया, राष्ट्रपिता, सो कॉल्ड राष्ट्रपिता। तो क्या कहते हैं हमें, हमारा राष्ट्रपिता कौन है? तो हम बोलते हैं गर्व से महात्मा गांधी। तो क्या सच में ऐसा कुछ है? क्या सच में कोई डॉक्यूमेंट में हमारा जो है भारतीय कुछ संविधान में कुछ या फिर डॉक्यूमेंट में ऑफिशियली लिखा गया है कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है? तो आइए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि राष्ट्रपिता ये शब्द आता कहाँ से है। तो ये संबोधन किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है अपनी आजाद हिंद फौज का निर्माण कर रहे थे, आजाद हिंद सेना का निर्माण कर रहे थे, तब उन्होंने एक पत्र लिखा था कि महात्मा गांधी को, तब उन्होंने कहा था कि हे राष्ट्रपिता, अपने संबोधन से जो है देश के सभी जनता को एकत्रित करे और मेरा इस संग्राम में मेरा सहयोग दे। तो राष्ट्रपिता सहयोग जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही दिया गया था, जो कि सुन के मुझे बहुत अजीब ही लगता है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि या फिर उनका संबोधन जो है राष्ट्रपिता कह के किया गया था। तो ये शब्द आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक पत्र में कि राष्ट्रपिता कहा गया महात्मा गांधी। उसके पश्चात जब देश आजाद होता है, उसके बाद हम सुनते चले आए, लेकिन ये कहीं ऑफिशियल लिखा ही नहीं है। आप सर्च करके देख लीजिए, आप दिल्ली में डॉक्यूमेंट देख लीजिए, आप जितना ऑफिशियल संविधान के डॉक्यूमेंट सब कहीं भी देख लीजिए, महात्मा गांधी को ऐसा कहीं भी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है जहां उन्हें जो है कोई राष्ट्रपिता की पदवी या फिर उपाधि दी गई हो या फिर घोषणा की गई हो। और ये क्यों नहीं हो सकता? देखिए, मेरा ओपिनियन है कि हमारे देश का कोई राष्ट्रपिता हो ही नहीं सकता। आप बोलेंगे क्यों नहीं हो सकता, आइए इतिहास में पीछे चलते हैं। तो जब से देश है, आप अगर माइथोलॉजी कहते हो तो माइथोलॉजी कहो, लेकिन मैं हिस्ट्री मानता हूँ कि महाभारत और रामायण हुआ था। तो आप रामायण से उठा के देख लीजिए, आप सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, आप कलयुग, ठीक है, तो सत्ययुग से लेके आप जितने भी अवतरण देख लीजिए, भगवान विष्णु का देख लीजिए, सभी जो है धरती को माता ही कहते हैं, हमारी भूमि को, भारत माता को, अयोध्या को श्री राम अपनी भूमि मातृभूमि कहते हैं, माता मानते हैं, श्री कृष्ण जो है वृंदावन को अपनी माता मानते हैं, यमुना जी को माता मानते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। तो साक्षात जो परब्रह्म अवतरण हुए हैं, साक्षात श्री विष्णु हुए हैं, वो जो है इस धरा को अयोध्या की मिट्टी लेकर ले जाकर राम जो है लंका में पूजा उसके पूजन करते हैं, उसको अपने माथे से लगाते हैं। तो श्री हरि स्वयं जो परब्रह्म है, जो अवतरण है, जो अवतारी पुरुष है, वो जो है इस मिट्टी को अपना माँ मानते हैं। आगे चलते हैं इतिहास में, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की बात आती है, भगवान गौतम बुद्ध की बात आती है, सभी जो है इस धरा को अपनी मातृभूमि कहते हैं, अपना माता संबोधन करते हैं। आचार्य कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य को यही सिखाते कि अपनी मातृभूमि की सुरक्षा कैसे की जाए, कैसे विदेश नीति चलाई जाए, अपने अखंड भारत का निर्माण किस तरह से किया जाए, अर्थात भारत को माता हमेशा से ही माना जाता आ रहा है, और इसको मानने वाले हमारे जैसे कोई आम लोग नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने इसको जो है अपनी माता के रूप में ही देखा है। जिन्होंने भी इस धरती की आज़ादी के लिए, जिन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष किया है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, महाराणा प्रताप हो, या छत्रपति शिवाजी महाराज हो, वो इस धरा को केवल अपनी माता मानते थे, इसकी धरा को अपनी मिट्टी को अपने माथे पे लगाते थे। अर्थात बड़े बड़े जितने वीर पुरुष हुए हैं हमारे देश में, बड़े बड़े योद्धा हुए, वो सभी इस धरा को क्या मानते थे? भारत माता मानते। इसीलिए जो है वंदे मातरम कहा जाता है कि इस धरती माता को मैं वंदन करता हूँ, इनका नमन करता हूँ, ये भारत माता हमेशा हमें हमारे लिए माता जो है सदैव सबसे ज़्यादा आदरणीय होती है। इसलिए जो भारत को, इस धरती को, इस भूखंड को, इस आर्यावर्त को हम हमेशा माता तरह पूजते आए हैं। तो इस प्रकार से जो है किसी एक व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपिता कह देना, ये बिल्कुल ही सदैव ही अनुचित बात है, क्योंकि महान महान पुरुष, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ गांधी जी महान है, हमारे गांधी जी हमारे महान है, बापू हमें आज़ादी दी रही, चलो ये मान लेता हूँ मैं, लेकिन वही बात है कि क्या वो इससे राष्ट्रपिता बन जाते हैं? राष्ट्रपिता एक पदवी है, राष्ट्रपति अलग चीज होता है, प्रधानमंत्री अलग चीज, लेकिन राष्ट्र का पिता, राष्ट्र का माता हो और राष्ट्र के पिता भगवान शिव को, भगवान ब्रह्मदेव को, भगवान विष्णु को, महादेव को, श्री कृष्ण को, श्री राम को, श्री हनुमान जी को, हमने किसी को क्या राष्ट्रपिता कभी कहा है? वो स्वयं आके अवतरण लेते हुए भी इस धरा को अपनी माता की तरह पूजते हैं, उनकी माटी को अपने माथे से लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जब योगेश्वर श्री कृष्ण ने, श्री रामचंद्र ने इस धरा को जो है अपने आप को इनका पिता नहीं कहा, या फिर अपने आप को सर्वगुण संपन्न नहीं कहा, इस धरती को जो है अपने से ऊँचा स्थान दिया और कहा यह धरती माँ आप सबसे पूजनीय हो, क्योंकि सारे दुख दर्द रोग कष्ट जितने भी प्रदूषण जितने प्रकार के सारे कष्ट है वो धरती माता अपने में जितने पाप है उसको समाहित कर लेती है। तो सोचिए ऐसी धरा पे विचरने वाले हम लोग क्या किसी व्यक्ति को जो है राष्ट्रपिता की उपाधि दे सकते हैं? जब इतने महान महान योद्धा, ये बताइए मुझे, महात्मा गांधी श्रेष्ठ थे? छत्रपति शिवाजी महाराज श्रेष्ठ नहीं थे? महाराणा प्रताप का श्रेष्ठ नहीं थे? गुरु गोविंद सिंह जी का श्रेष्ठ नहीं थे? पृथ्वीराज चौहान का श्रेष्ठ नहीं थे? चंद्रगुप्त मौर्य का श्रेष्ठ नहीं थे? अशोक का श्रेष्ठ नहीं थे? चाणक्य का श्रेष्ठ नहीं थे? इतने इतने सारे लाखों लाखों नाम आपको मिल जाएंगे, और उससे ऊपर भी श्री कृष्ण, श्री राम, श्री हनुमान, उनका नाम लेंगे तो फिर अलग लेवल पे चला जाएगा। तो सोचिए ये लोग क्या श्रेष्ठ नहीं थे? तो क्या हम इनको राष्ट्रपिता कहते हैं? नहीं कहते। तो क्या महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता हम कह सकते हैं? लेकिन कहते तो हैं, तो क्या है कोई सेंस है इस बात का?
और ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में लिस्टेड भी नहीं है कि उनको कहीं भी राष्ट्रपिता की घोषणा की गई, उन्हें कोई राष्ट्रपिता बनाया भी गया हो। मेरा कोई गांधी जी से कोई हेट नहीं है, मेरा कोई उनके प्रति जो है मैं उनके आदर के भाव रखता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन बात की आप गहराई तक जाओगे तो आप स्वयं ही सोच लोगे कि कोई भी राष्ट्रपिता हमारा हो ही नहीं सकता। ये पूर्णतः एक इलॉजिकल थिंकिंग है कि कोई हमारा राष्ट्रपिता हो सकता है, क्योंकि इस धरा का जो है कोई पिता कभी हुआ ही नहीं है। ये धरती को हम माता के रूप में पूजते हैं, ये धरा, ये जो आर्यावर्त है, ये भूखंड है, ये जम्बू द्वीप है, इसे हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। ये जो है अखंड भारत, ये कभी भी कोई किसी इसका पिता कोई हो ही नहीं सकता। इसका नरेश हो सकता है, इसका सेवक हो सकता है, इसका पुत्र हो सकता है, क्योंकि सही वीर महान योद्धा अपने आप को क्या कहते थे, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप। ये सुना होगा आपने, छत्रपति शिवाजी महाराज क्या है, हमारे भारत के वीर पुत्र है, माता के वीर पुत्र है। इस प्रकार जो है हमारी धरती माता के रक्षक, भारत भूमि के रक्षक, ऐसे सपूत होता है, यानी जो सूर्यवीर पुत्र हो, तो सदैव सपूत कहलाते रहे, सदैव वीर योद्धा कहलाते रहे, अपने आप को पिता कभी नहीं कहलवाया। और यही कारण है कि भारत माता से ऊंचा हमारे लिए यहाँ कोई पद नहीं है। श्री राम श्री कृष्ण भी अपने आप को जो है धरती माता से, भारत माता से कभी बड़े नहीं समझे। इस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महान व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी आम व्यक्ति हो, कोई प्रधानमंत्री हो या फिर सर्वोच्च मंत्री हो, हम किसी को भी जो है अपने भारत का राष्ट्रपिता कभी कह नहीं सकते। ये मेरी तरफ से तो, या फिर मेरे ओर से तो, इस पर जो है बिल्कुल ही जो एक इलॉजिकल थिंकिंग है कि आप किसी को राष्ट्रपिता कहते हो। तो आप किसके बारे में क्या कहना है, आप क्या सोचते हो, क्या आपने कभी डीप डाइव करके इसके बारे में सोचा है कि कोई भारत का राष्ट्रपिता कभी हो भी सकता है, या फिर आपने सोचा कि एक दे दिया गया टाइटल उसको उठा लो, बस बोल दो जय 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 महात्मा गांधी, जय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय, राष्ट्रपिता कौन है तो ये है, हिंद भारत राष्ट्रीय भाषा कौन है तो हिंदी है। इस प्रकार से इसमें गहराई में जाके आप खुद रिसर्च कीजिए, आपके पास सब चीज़ अवेलेबल है। आप किस तरह का कहना है कमेंट्स के जरिए बताइए, क्या आप भारत के राष्ट्रपिता किसे मानते हैं, या फिर कौन होना चाहिए, या फिर किसी को आप मानते हैं नहीं मानते, कमेंट्स के जरिए बताइए। जय श्री राम, हर हर महादेव।